इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है हमारे पास, उसके एक्सिस पे किसी भी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम कंसिडर करेंगे एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, हमने रिंग ली, एक रिंग है जिसकी रेडियस हमने ए कंसिडर कर ली कि रेडियस ए है, और इसमें जो चार्ज है वो क्यू है, चार्ज क्यू है और रेडियस ए है। इसके सेंटर से, ये इसका सेंटर ओ है, सेंटर से एक्सिस पे एक पॉइंट पी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो पी पॉइंट ऑफ सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस हमारे पास हम मान लेते हैं कि इसकी आर, सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस है वो आर है, गिवन है। तो इस पी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। देखो पूरा एक साथ तो हम निकाल नहीं सकते, तो हम सबसे पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे रिंग के ऊपर सरफेस पे, कहीं पे भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, स्मॉल लेंथ ले ली मैंने डीएल, डीएल स्मॉल लेंथ ली, और इस डीएल लेंथ की वजह से इस पी पॉइंट पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, क्योंकि रेडियस हमें पता है, तो टोटल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस ही आ जाएगा। तो स्मॉल जो लेंथ है डीएल उसकी वजह से पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर लेते हैं, वो होगा डीई, डीई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे जो से थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे 90 डिग्री, ये है इसका थीटा एंगल। अब यहां पे डीएल से पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, तो देखो ट्रायंगल बन गया पूरा, यहाँ पे आर और ए गिवन है, बेस और परपेंडिकुलर गिवन, तो हाइपोटेन्यूस हम निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज है जो इंपॉर्टेंट वो देखना है, ये है कि अगर इस रिंग में स्मॉल एलिमेंट डीएल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डीई है थीटा एंगल पे, थीटा एंगल पे है, और मेरे सपोज अब अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो सारे स्मॉल स्मॉल एलिमेंट सबका सम हो जाएगा, यानी पूरा इंटीग्रेशन निकलेगा, पूरी रिंग का इंटीग्रेशन निकलेगा। तो अगर इस डीएल को जो कि थीटा एंगल पे है मैं कंपोनेंट में डिवाइड कर देता हूँ, तो इसके साथ वाला तो हो जाएगा थीटा के साथ वाला हो जाएगा डीई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा। सिमिलर अगर मैं यहाँ पे एक और स्मॉल एलिमेंट देता हूँ और इसकी वजह से यहाँ पे डीई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, सेम थीटा एंगल पे है, तो इसको भी अगर कंपोनेंट पे डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा डीई साइन थीटा, और इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा डीई कॉस थीटा। तो हमने एक चीज यहां देखा कि अगर आप कितने ही स्मॉल एलिमेंट ले लो इसके पूरे अराउंड, सबका जो डीई साइन थीटा है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, बट डीई कॉस थीटा है वो सारा सेम डायरेक्शन में आएगा। इन सबका एक हमारे पास रिंग है, रिंग का मैंने क्या किया, हमारे पास रिंग है, रिंग में एक स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट से पी पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं रिंग से, तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसका डीई साइन थीटा होगा उसके 90 डिग्री पे, यानी ऊपर हमने लिया तो उसका नीचे बनेगा और नीचे वाले का ऊपर बनेगा, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा जो इसको कैंसिल आउट कर देगा, और इसका जो कॉस थीटा वाला कॉस कंपोनेंट है वो एक इसके पैरेलली बनेगा, तो वो सबका सम हो जाएगा, यानी सिंपल सा है कि हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। अब एक चीज और ध्यान देना है कि इस पूरी रिंग के अंदर, पूरी रिंग में चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, क्यों, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का हमारे पास फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बट डी एल, डी एल लेंथ की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डीएल, डीएल लेंथ, तो डीएल लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, डीएल लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है डीई, तो डीई इक्वल टू के, अब क्यू, क्यू तो टोटल नहीं आएगा क्योंकि टोटल चार्ज मतलब आता है जब पूरी रिंग का निकाल रहे हैं, तो डीएल का निकाल रहे हैं, तो चार्ज कितना आएगा, डी क्यू आएगा अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, जो स्मॉल एलिमेंट लिया उससे पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आएगी, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया,
DE, जो DE निकला था वो हमारे पास ये DE की वैल्यू आ गई है। स्क्वायर हटाएंगे तो ये बन जाएगा DE इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक चीज देखो, हमें सबसे पहले डी क्यू की वैल्यू निकालनी होगी, डी क्यू की वैल्यू कितनी है। तो अब एक चीज है यहाँ पे कि टोटल इसका सर्कमफेरेंस कितना है, इसका सर्कमफेरेंस है 2πa, कि टोटल सर्कमफेरेंस 2πa के अंदर चार्ज क्यों फ्लो हो रहा है या चार्ज क्यों है, तो यूनिट सर्कमफेरेंस में कितना होगा, तो यूनिट में हो जाएगा क्यू अपॉन 2πa। तो सिमिलर डीएल लेंथ में कितना होगा, डीएल में हो जाएगा चार्ज अपॉन डीएल, डीएल में हो जाएगा क्यू अपॉन 2πa into dl, और dl पे जो चार्ज था उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dq से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी dq की जो वैल्यू हमारे पास है वो आ जाएगी q upon 2πa into dl, ये dq की हमारे पास वैल्यू आएगी। सिंपल सा है, कुछ नहीं किया हमें, हमने किया है कि टोटल रिंग के अंदर, टोटल रिंग में चार्ज कितना है q, तो यूनिट में कितना होगा, यानी उसका टोटल जो सर्कमफेरेंस है 2πa, रिंग है तो सर्कमफेरेंस ही होगा, तो 2πa में चार्ज हमारे पास क्यों है, तो यूनिट में चार्ज कितना हो जाएगा, q अपॉन 2πa। सिमिलर dl में चार्ज कितना होगा, तो q अपॉन 2πa into dl, और dl जो लेंथ में जो चार्ज था उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं dq से, यानी dq की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, q into 2πa into dl, ये हमारे पास dq की वैल्यू आ गई, यानी dq इक्वल टू क्यू अपॉन 2πa इंटू डीएल, ये dq की वैल्यू रख लेते हैं, dq की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो डेल e इक्वल टू के dq की जगह आ जाएगा q इंटू डीएल अपॉन 2πa into r square plus a square। अब ये जो वैल्यू आई है स्मॉल लेंथ dl की वजह से dE की वैल्यू आई है। अगर टोटल रिंग की निकालनी है तो टोटल रिंग के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा, E इक्वल टोटल क्या होगा, देखो dE का कंपोनेंट साइन वाला का पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास क्या है, सिर्फ cos वाला कंपोनेंट है, तो cos वाले कंपोनेंट का क्या करेंगे, हम सबका सम कर देंगे यानी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा dE cos थीटा, सारे जितने इसकी वजह से cos थीटा बना, फिर नीचे वाले की वजह से, ऐसे अगर स्मॉल एलिमेंट हम इस पूरी रिंग पे मानते हैं तो सब की वजह से जो dE cos थीटा बना उनका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी सबका सम हो जाएगा, सिंपल सा हमने सम किया है यहाँ पे, तो E इक्वल टू इंटीग्रेशन, dE की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, तो dE की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी हमारे पास आएगा k q dl अपॉन 2πa आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब एक चीज देखो, जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो, उससे पहले cos थीटा की वैल्यू पुट हम कर देते हैं, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ये आपको यहाँ पे एंगल थीटा की होना, तो एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाला होगा हाइपोटेन्यूस, बचा हुआ हो गया बेस, cos थीटा आपको निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहां पे बेस क्या हुआ r और हाइपोटेनस क्या हुआ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, यानी cos थीटा इक्वल टू r अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, यानी पावर हाफ, तो cos की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पे हमारे पास, तो e इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन k q dl अपॉन 2πa r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू कोस की वैल्यू है r अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर हाफ। अब जो कांस्टेंट उनको बाहर ले लो, देखो यहां पे पावर 1 है, यहां पे पावर हाफ है, यानी पावर कितनी होगी 3/2, e इक्वल टू कांस्टेंट को बाहर लिया k q भी बाहर आ गया अपॉन 2πa इनटू पावर हो गई r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2 इनटू r, और इंटीग्रेशन हो गया dl। अब dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, dl एक स्मॉल लेंथ है पूरी रिंग की जिसकी रेडियस r है, तो उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका सर्कमफेरेंस होगा,
कि अगर मैं इसको फैलाता हूँ यहाँ से तो ये पूरी रिंग को कवर करेगा, इसका सर्कमफेरेंस इसका इंटीग्रेशन होगा, तो डीएल का जो इंटीग्रेशन होगा, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2πa, ए यहाँ पे रिंग की रेडियस है, यानी हमारे पास E इक्वल टू आएगा K Q R अपॉन 2πa आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू डीएल का हो जाएगा 2πa, डीएल का इंटीग्रेशन हो गया 2πa, जो हमने वैल्यू पुट कर दिए 2πa से 2πa कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास E की वैल्यू जो मिलेगी, हमारे पास E इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 के पावर 3/2, ये हमारे पास R की इक्वेशन मिली, R की वैल्यू में सॉरी, ये हमारे पास E की वैल्यू मिली। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है रिंग के एक्सिस पे, एक सास रिंग है जिसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हमें देखो, सपोज हम इस P पॉइंट को सेंटर पे शिफ्ट कर देते हैं, P पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? सेंटर के ऊपर। अगर P पॉइंट को हम सेंटर पे शिफ्ट कर रहे हैं, यानी इसकी डिस्टेंस R कितनी होगी? R होगी जीरो, क्योंकि P तो सेंटर पे चला गया, तो R जीरो होगी। तो अगर हम R की वैल्यू जीरो पुट करते हैं एट सेंटर, तो सेंटर पे कितना हो जाएगा E? तो E हो जाएगा, R की वैल्यू अगर मैं जीरो पुट करूंगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। अब एक चीज हमने पहले भी ये चीज डिस्कस की है कि किसी भी चार्ज बॉडी के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ही नहीं, तो अगर आर की वैल्यू जीरो है तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी जीरो। सेकंड, इफ आर इज ग्रेटर देन, कि आर है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे है कंपेयर टू ए रेडियस से, रेडियस के कंपेरिजन में आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? ए अगर रेडियस है उसकी स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा, तो अगर मैं ए को नेगलिजिबल कंसीडर करता हूं, नेगलिजिबल मानता हूं, तो ई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। देखो पावर को सिर्फ कैंसिल आउट हो गया, यहां से ए है, ए स्क्वायर को मैंने नेगलिजिबल मान लिया है, तो हमारे पास सिर्फ आर स्क्वायर बचा था, के क्यू इंटू आर, के क्यू इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास आगे बचा है E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की पावर 3 इंटू आर, आर से फिर एक पावर कैंसिल आउट, यानी E की वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पे, किसी भी चार्ज रिंग जिसका चार्ज क्यू है उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास वैल्यू आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये किस कंडीशन में है? ये उस कंडीशन में है जब आर की वैल्यू ए के कंपेरिजन में, यानी रेडियस के कंपेरिजन में, उस पॉइंट पी की वैल्यू जिसके जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास आया है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और अगर ये ऐसी कंडीशन नहीं बन रही है कि आर और ए की वैल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे न्यूमेरिकल्स के लिए कि ई इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। सिमिलर इसी में से अगर आपको पूछ लेते हैं कि पी पॉइंट को अगर हम सेंटर पे शिफ्ट करें, पी पॉइंट को अगर हमने सेंटर पे शिफ्ट किया तो आर कितना हो गया, डिस्टेंस कितनी हुई? डिस्टेंस हुई जीरो, यानी पी और ओ के बीच की डिस्टेंस हो गई जीरो, तो आर की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ए की वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? जीरो। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी क्रॉस हो रही है, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज सरफेस से क्रॉस हो रही है उसी में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। सपोज यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, और अगर मैंने यहाँ पे क्लोज सरफेस पुट किया है, यहाँ पे क्या किया मैंने, क्लोज सरफेस पुट किया है जिसका हमारे पास एरिया गिवन है S, मैं एरिया S ले लेता हूँ, एरिया गिवन है S, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, सारी नहीं हो रही, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रही है, तो यहाँ पे इस फ्लक्स का फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा फ्लक्स इक्वल टू ई एस, फ्लक्स इक्वल टू ई एस इंटू कोस थीटा। और ये कोस थीटा क्यों आया है कि आपने जो भी सरफेस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पुट किया है वो कितने एंगल पे,
अगर आपने नॉर्मली पुट किया है, नॉर्मली पुट करने का मतलब 90 डिग्री पे है, तो cos 90 की वैल्यू पुट कर देंगे, समझ रहे हो आप। हाँ, एक चीज का जो ध्यान रखना है वो ये कि आपको यहाँ पे जो एंगल चूज करना है, एंगल जो चूज करना है वो एरिया के साथ में रहेगा, ना कि प्लेन के साथ में। देखो एंगल क्या बनता है, एरिया और प्लेन का अलग अलग बनता है। सपोज ये है हमारे पास, अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और मैं इसको ऐसे रखता हूँ, तो अगर एरिया के साथ में एंगल देखूंगा तो इसका एरिया ये होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री पे, 0 डिग्री पे। अगर मैं प्लेन के साथ देखूँ तो इसका प्लेन ये है, तो प्लेन के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम लेंगे एरिया के साथ, अगर ये ऐसा रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा रखा हुआ है, तो ये एरिया है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अगर ये ऐसे रखा हुआ तो एरिया ये हो गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कितना हो गया, 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे, यानी cos थीटा वाला थीटा एंगल लेंगे, ये सरफेस के साथ यानी एरिया के साथ आएगा, समझ रहे हो, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी क्लोज सरफेस से कितनी पास हो रही है, वही फ्लक्स होगा, यानी फ्लक्स। और फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, फाई से, फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई से। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि क्लोज सरफेस ही आना चाहिए, अगर क्लोज्ड सरफेस है तो ही फ्लक्स है, अदरवाइज फ्लक्स नहीं है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। तो डी फाई इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मूव कर रहा है, जो वहां पे प्रेजेंट है, इनटू डी एस, ये वो सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया जिसमें अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस हो रहा है, इनटू कोस थीटा, ये कोस थीटा है, कोस थीटा दोनों के बीच का एंगल है, किसके बीच का एंगल है, आपके बीच का है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और सरफेस एरिया का। अगर ये सिमिलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये अगर मैंने सरफेस रखा है, तो अगर सरफेस का जो सरफेस की डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी फाई इक्वल टू ई डी एस, अगर मैं वेक्टर लगाता हूँ तो कॉस थीटा नहीं आएगा, और वेक्टर नहीं लगाता हूँ तो ई डी एस कॉस थीटा आएगा, ई डी एस कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट है ई और डी। अब यहाँ देखो इसमें हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था फोर्स अपॉन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो यहां से हमने यूनिट निकाला था न्यूटन पर कूलम, तो यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो होगी न्यूटन पर कूलम, इनटू क्या दे रखा है, सरफेस दे रखा है, सरफेस की क्या होती है, सरफेस यानी एरिया, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास फ्लक्स का, फ्लक्स की यूनिट हो जाएगी, और फ्लक्स की यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये फ्लक्स की यूनिट है। अच्छा, फ्लक्स की एक और यूनिट होती है, और वो यूनिट है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, ये सेकेंड यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वोल्ट मीटर आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज हमसे पूछा जाता है कि दो कंडीशन बनती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है, तो सिमिलर हमने एक बार देख तो लिया, लेकिन अगेन देख लेते हैं कि मैक्सिमम कब होगा, जब परपेंडिकुलर पे होगा, और परपेंडिकुलर का होने का मतलब एरिया के साथ 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे मैं केस फर्स्ट ले रहा हूँ, केस फर्स्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और यहाँ पे मैंने सरफेस क्लोज्ड सरफेस रखा है, क्या रखा है, क्लोज्ड सरफेस, सरफेस ऐसा रखा हुआ है, यानी कितना एंगल बन रहा है एरिया के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया भी, एरिया की डायरेक्शन क्या है, सेम एरिया की डायरेक्शन, यानी डी एस की डायरेक्शन भी है, थीटा बन रहा है 0 डिग्री, यानी थीटा इज 0 डिग्री। देन आपका फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स देखो डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी फ्लक्स आ जाएगा आपका फ्लक्स ई डी एस, जो कि मैक्सिमम होगा। यानी आप सिंपल से इतना मान लो कि प्लेन, अगर प्लेन के साथ नॉर्मली है, देखो एक चीज मैंने पहले भी बताया है कि प्लेन और एरिया में 90 डिग्री का फर्क है। अगर मैं इसको प्लेन बोलूं तो प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मली है, और एरिया बोलता हूं मैं, सरफेस एरिया बोलता हूं, तो वो नॉर्मल है, सॉरी पैरेलल है, सरफेस एरिया है पैरेलल और प्लेन है नॉर्मल। तो हमें जो एंगल लेना है वो एरिया के साथ में लेना है, बिकॉज
यही कंडीशन अपने पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी क्लोज सरफेस से, यानी सरफेस से कितनी क्रॉस हो रही है उसे हम फ्लक्स कहेंगे, यानी फ्लक्स इक्वल टू ए इनटू डीएस आर। तो ये ध्यान देने वाली चीज है। सेकंड केस, केस सेकंड कि अगर 90 डिग्री पे रखा है मैंने, 90 डिग्री पे कैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे मैंने ऐसे रखा है, यानी यहां पे ऐसे रखा है इसको ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सपोज यहां से जा रहा है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा है, जा रहा है ऊपर से भी जा रहा है नीचे से भी जा रहा है, इसको कट होना पड़ेगा, इसको तो कट करेगा नहीं, तो सरफेस के साथ एरिया के साथ कितना एंगल बनेगा, एरिया के साथ बनेगा 90 डिग्री का एंगल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है तो एरिया की डायरेक्शन ही, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो यहां पे डी फाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई डी एस कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है जीरो, यानी आपका फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स आएगा जीरो। तो इस कंडीशन में फ्लक्स होगा मिनिमम जीरो, और सेम इसी कंडीशन में जब आपका जीरो डिग्री पे है तो मैक्सिमम होगा। अब एक थर्ड कंडीशन भी बनती है कि सपोज किसी थीटा एंगल पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी क्लोज्ड सरफेस से थीटा एंगल पे रखा है तो क्या होगा, तो देखो यहां पर केस थर्ड, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, और इसके अंदर मैंने ऐसे यहां पे कोई भी सरफेस रखा, जैसे सपोज मैंने ऐसे रख दिया, ये तो हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, और मैंने ऐसे रखा यानी थीटा एंगल पे, इसका जो सरफेस बनेगा वो ऐसे बनेगा, यानी डीएस ये सरफेस है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा डिग्री का, थीटा कितना भी हो सकता है 0 टू 90, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, यानी सामने वाला आपको क्या क्वेश्चन दे रहा है। अगर थीटा एंगल पे है तो सेम अपना फॉर्मूला इधर बन जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस, और कोस की जगह क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो ये तीन कंडीशन बन रही है कि पहला हम सरफेस एरिया के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री पे रखें, यानी 0 डिग्री पे रखेंगे तो आपका फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम आएगा, और वो आएगा ई इंटू डी एस। अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, सेम इस साइड में भी इंटीग्रेशन होगा, इस साइड में भी इंटीग्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है कांस्टेंट है तो वो तो आ जाएगा कांस्टेंट भाग, यहाँ पे बचा क्या हमारे पास डीएस, यानी डीएस का इंटीग्रेशन होगा। सिमिलर अगर आपने 90 डिग्री पे पुट किया तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, यानी फ्लक्स कितना होगा जीरो अगर 90 डिग्री पे रखा है, और अगर थीटा एंगल पे है तो आपका फ्लक्स हो जाएगा ई डीएस कॉस थीटा।